पूर्णिया पुलिस को चुनौती देते हुए पूर्णिया में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार लूट, छिनतई, चोरी, गोली फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिससे जिलेवासी काफी दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और पुलिस प्रशासन भले ही सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही हो, किंतु जमीनी हकीकत यह है कि लोगों में लगातार दहशत बढ़ता ही जा रहा है। 5 मई की रात की ही घटनाओं को देखें तो अपराधियों ने 2 छिनतई और 1 चोरी की घटनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देकर फरार हो गया और पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। पहली घटना नेवालाल चौक के समीप घटी, जिसमें अपराधियों ने एक निजी स्कूल के कर्मचारी अजीत झा से हथियार के बल पर उसकी स्कूटी, मोबाइल एवं 10,000 कैश छिनतई कर ली और हथियार लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। पीड़ित ने मरंगा थाना में घटना की शिकायत की है। वहीं दूसरी घटना रात्रि करीब 10:45 बजे रंगभूमि चौक और उर्स लाइन स्कूल के बीच घटी। इसमें रंजीत कुमार नामक एक कंपनी के मैनेजर से 5 अपराधियों ने न केवल उसकी गाड़ी, मोबाइल एवं सोना का चेन छीन लिया, बल्कि रंजीत कुमार के हाथों एवं पीठ पर चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और हथियार लहराता हुआ उसकी गाड़ी, मोबाइल एवं चेन लेकर फरार हो गया। खून से लथपथ रंजीत कुमार ने किसी तरह केहाड़ थाना पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद केहाड़ थाना पुलिस ने रंजीत कुमार को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद रंजीत कुमार को एक निजी अस्पताल में विशेष उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इस घटना की खबर मिलते ही कंपनी के मालिक अजय यादव एवं राजद के नेता बंटी कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य सरकार के कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया और बहुत जल्द आंदोलन करने की बातें भी कही। इस दरमियान अजय यादव ने कहा कि अपराधी बेखौफ घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस एवं राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने हुए हैं। अजय यादव ने कहा, खासतौर से लॉज में रहने वाले छात्रों की इस मामले में विशेष जांच करने की जरूरत है। हम लामबाग से 10:30 बजे डेरा के लिए निकले थे मधुबनी जाने के लिए, तो उर्स लाइन स्कूल से थोड़ा सा आगे मोड़ पे जो है 2 मोटरसाइकिल पे 5 आदमी सवार आकर के हमारा मोटरसाइकिल रोक दिया और पिस्टल सटा दिया और हमारे पर्स, मोबाइल और गले में एक लॉकेट था वो ले लिया और जाते जाते हमको चाकू जो है पीठ में और दाहिना हाथ का कोहनी में मार दिया। अच्छा, कितना दूर से लोग पीछा करते हुए आ रहा है? वो पीछा नहीं किया, हम उधर से आ रहे थे और वो दोनों बाइक इधर से गया, एक बाइक सीधा आगे बढ़ा और एक बाइक हमने आगे आके रुक गया। क्या लगता है ये अचानक ऐसा हुआ या फिर अचानक वो लोग कभी कहीं से आपको टारगेट कर रहा? नहीं, अचानक क्योंकि हम उधर से जैसे मुड़े उस लाइन से थाना चौक के तरफ और ये सभी इधर से थाना चौक के तरफ से रंगभूमि मैदान से आगे वो सब। इसका मतलब वो लोग किसी का आने का इंतजार कर रहा था? जी जी। ये 10:30 बजे रात में अभी रामबाग से सारा काम ऑफिस का अपना करके जा रहे थे अपने घर मधुबनी मेहता टोला और यहाँ उर्स लाइन से आगे जो एक किडजी स्कूल खुला हुआ है उसके सामने में 2 बाइकर्स, 5 आदमी था उस पर, जकाएक ओवरटेक करके इसको कान में पिस्टल सटा दिया और इसके बाद इसका बाइक से चाबी छीन, बाइक रोक लिया, चाबी छीन लिया, पर्स निकाल लिया और पीछे से पीठ में चाकू मार दिया, देख सकते हैं, और दाहिने हाथ के केहोनी के पास यहाँ चाकू मार दिया। 1.5 इंची डीप है वहाँ पर अभी पीठ में, अभी कुछ भी हो सकता था और कहीं पर कोई प्रशासन उस रोड में कहीं पर कोई नज़र नहीं आया लोग और वैसे भागते हुए फिर वो लोग तो बाइक लेकर के भाग गया, पर्स वगैरह चेन छीन लिया, लॉकेट था एक गोल्ड का, सोना का, हनुमान जी का, वो लेके निकल लिया और इसको धक्का मार दिया। फिर ये किसी तरह उठते पुटते भागा केहट थाना, थाना जाने के बाद जो है थाना वाले रिस्पॉन्स लिए हैं और उसको उठा करके सदर अस्पताल लाने का काम किया। पूर्णिया में अपराध एकदम चरम पर है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो है कोई सुध नहीं ले रही है, प्रशासन से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, क्या होना चाहिए, कैसे अमन चैन कायम रहे, इसका कोई मतलब रखवाला नहीं है, पूरा एकदम भय का माहौल है पूरे क्षेत्र में। अभी भी लोकसभा चुनाव हुआ है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले भी घटनाएं हुई है बारीहाट एरिया में। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अब इतना अमन चैन आ गया है कि लोग कभी भी रात हो या दिन हो कहीं भी घूम सकता है, लगता है कि सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, वो सामने है उदाहरण। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अमन चैन व्याप्त है, तो सामने है कि जो है सो इस तरह का घटनाएं हो रहा है, 2 दिन पहले भी हुआ। जितना भी यहाँ पर लॉज है, जितना भी लॉज है सब में लड़का लोग पढ़ता नहीं है,
कॉलेज में, MIT में जितना भी कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल है, सब में लड़का लोग हथियार रखता है, पिस्टल रखता है, दूर दराज से आकर के अपने पेरेंट्स के आँख में धूल झोंकता है और यहाँ पर यही सब काम रात होता है। तो वैसी जगह जो गिना रहे आप, क्या वो अपराधियों का अड्डा बन गया है? बिल्कुल आसपास में पूर्णिया कॉलेज चौक जो है, पूर्णिया कॉलेज के आसपास में बहुत सारा लॉज है, पूरा MIT कॉलेज के आसपास चारों तरफ हर मोहल्ला में लॉज मिलेगा आपको, और टोटल लॉज में इस तरह की घटनाएं होती है। ये बातें पब्लिक के, ये बातें पब्लिक की नजर में है, लेकिन पुलिस की नजर में नहीं जा रही है क्या? पुलिस की नजर में नहीं जा रही है। अगर छानबीन करे, एकाएक रेड मारे लॉज सब में और ऐसे जगह पर जहां पर कि बाहर के लड़के लोग रहते हैं, तो पता चलेगा। वहीं बंटी कुमार ने कहा कि अपराधी रिहायशी इलाके में भी बेखौफ लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाता है, तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का हालात कैसा है इसे बयां नहीं किया जा सकता। बंटी कुमार ने कहा कि स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो वे लोग सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये तो लगातार पूर्णिया की जो स्थिति बनी हुई है, शासन को लगता है कि जैसे अपराधियों के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं। लगातार कल आज चार दिन पहले बाड़ीहाट में एक घटना हुई, जहाँ की एक निर्दोष लड़का को मार दिया गया। कल मरंगा में घटना घटी, अपराधी द्वारा हथियार के बल पर पैसा छीना गया, ये पनोरमा सिटी वाले का। आज पुनः देख लीजिए कि आज लगभग 10:30 रात में, जो कि शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, DIG का रेसिडेंस है वहाँ, SPDF रेसिडेंस है उस बगल में, और DIG और SP के रेसिडेंस को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, उस सड़क पर 10:30 रात में जो रंजीत जी के साथ जो घटना घटी है, इनका मोटरसाइकिल छीना गया, पैसा छीना गया, और इनको चाकू भी मारा गया। वो तो इनका भाग्य कहिए, अगर ये व्यक्ति अपना सारा चीज नहीं दिया होता तो शायद आज इनको गोली मार दिया था, जैसा इनका स्टेटमेंट आया। ये पुलिस प्रशासन की पूरी नाकामी है। अगर पुलिस प्रशासन 24 घंटा में नहीं अगर इस सब चीज़ का उद्भेदन करती है, तो युवा राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरकर इंसाफ मांगने का काम। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि पुलिस गश्ती करती है? बिल्कुल निष्क्रिय है पुलिस, चाहे तो पुलिस शराब माफिया के पीछे लगी हुई है, पैसा कमाने में लगी हुई है। आम जनता, लोगों के अमन चैन पर सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, और जनप्रतिनिधि यहाँ के पंगु बने हुए, जिसका नतीजा है ये लचर व्यवस्था है प्रशासन। वहीं इसी रात तीसरी घटना मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज के शीतला मंदिर में घटी, और चोरों ने यहाँ मंदिर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया और प्रतिमा में लगा हुआ सोने की आंखें, चैन एवं दान पेटी के रुपये चुराकर फरार हो गया। सुबह इस बात की खबर जब स्थानीय ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण काफी उग्र हो गए और सामूहिक रूप से मरंगा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तफ्तीश के दरमियान दान पेटी बरामद किया, किंतु उससे सारे रुपये निकाल लिया गया था। एक ही रात में हुई इतनी घटनाओं से साफ हो जाता है कि अपराधियों के हौसले पूर्णिया में कितने बुलंद हैं और पुलिस अपराधियों के नियंत्रण करने के नाम पर कितना सफल हो पा रही है। चारों तरफ से जो है कि हम जाके सो गए। कहाँ, मंदिर में ही सो गए? हाँ, मंदिर में नहीं, हमारा रूम है। अच्छा, तो उसके बाद जो है कि हमें जब सुबह हम आए मंदिर खोलने के लिए तो सारे चीज वैसे ही थे, तो जब हमने देखे कि शीशा खुली हुई है अम्मा की, तो अचानक हम खिड़की तरफ देखे तो देखते हैं कि खिड़की तोड़ा हुआ है। तो उनके बाद हमने फ़ोन किए जो कमेटी लोग होते हैं, तो उन लोग आने के बाद जो है यहाँ आदमी जमा हुआ। अच्छा, बताइए चोर क्या सब ले गया? चोर जो माता का जितना भी श्रृंगार का सामान होते हैं, साड़ी लेके चल गए और दानपेटी भी साथ में लेके चल गए। जो श्रृंगार का सामान है वो किस चीज़ का, सोना का, चांदी का था? किस सोना का भी था, चांदी का भी था, सब लेके चला गया। सब लेके चला गया। तो टोटल कितना का चोरी हम मान सकते हैं? लमसम यही एक लाख। एक लाख के आसपास की चोरी हुई है। हाँ। अच्छा, चोर खिड़की से घुसा? खिड़की से घुसा, खिड़की तोड़ के। अच्छा, इससे पहले भी इस मंदिर में चोरी वगैरह हुई है क्या? ऐसी घटना तो पहली बार हुई है। माहौल यहाँ पे, ये हमारा जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, और इस मंदिर में हजारों भक्तगणों का आस्था जुड़ा हुआ है, और साल में एक बार मेला लगता है जिसमें कि लाखों की संख्या में भी लोग यहाँ आते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं माता के मंदिर में। कुछ जो मन्नतें मांगने के बाद पूरा होता है तो दान स्वरूप भेंट चढ़ाते हैं, तो उसमें सोना चांदी बहुत चीज़ होता है। उनमें से कुछ होता है कि जैसे कि जो माता के शरीर पर, माता के शरीर पर जो श्रृंगार है वो तो रह गया, वो तो हम लोग नहीं निकालते हैं, बाकी जो भी होता है तो हम लोग उसको अलग करके रख देते हैं। तो मुख्यतः माता के
शरीर में जो ये बताइए कि लोगों इस चोरी होने के बाद लोगों में किस तरह का माहौल है, क्या लोगों में गुस्सा है? लोगों में गुस्सा है, प्रशासन भी आए थे और उन्होंने आकर के पूरा इंक्वायरी किए। दानपेटी जो यहाँ से हटा करके वो बसबिट्टा के जंगल के पास जाके रखा हुआ था, तो वहाँ से प्रशासन द्वारा ही उस दानपेटी को यहाँ लाया गया।